एक बात याद रखना, तुम तरस जाओगे हमारे लबों से सुनने को एक एक लफ्ज। मोहब्बत की बात तो क्या, शिकायत तक नहीं करेंगे। सुन, अब भाड़ में गई तू और तेरा प्यार। अब अपने दोस्तों के साथ मस्त रहता हूँ, तुझे सोचने के लिए भी टाइम नहीं है मेरे पास। अब अपने सपने पूरे करने में व्यस्त रहता हूँ, अभी भी टाइम खराब ही कर रहा हूँ तेरे बारे में बोलकर, पर तुझे ये बात बतानी जरूरी थी मेरी जान। टाइम पास ही करना है तो पबजी खेल लिया करो दोस्त, टाइम पास ही करना है तो पबजी खेल लिया करो दोस्त, किसी की बेटियां खिलौना नहीं होती। में से एक निकालो तो एक बचता है, मोहब्बत के उसूल कुछ और है। यहाँ दो में से एक निकल तो एक भी निकल। हाँ यार, कैसा है तू? चल ना यार, फिर मिट्टी से खेले। उम्र ही क्या थी जो मोहब्बत कर बैठी। चुप हो गया यार। बस अब जिंदगी को एक ऐसी पार्टी की तरह जीना चाहती हूँ कि मौत जब आए ना तो साथ बैठकर दो ड्रिंक मारकर जान लेकर चली जाए। रांझणा भी तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। मैं अपने आप से डरने लगी हूँ। किसी से मोहब्बत इंसान को बहुत कमजोर कर देती है, बहुत बेबस। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी गलतियों का क्या करेंगे। यहाँ चंद मिनटों में जिंदगियां गुजर जाती हैं, पता नहीं चलता, तो छोड़ देते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। वो मैंने कॉल इसलिए करी थी क्योंकि आज माँ ने पूछा कहाँ है वो, किस मुंह से कहती, किसी और के साथ। परियां होती हैं बेटियां मगर इनके पंख नहीं होते, मैके भी होते हैं ससुराल भी होते हैं मगर अपने घर नहीं होते। मैके वाले कहते हैं बेटियां पराई हैं, ससुराल वाले कहते हैं पराए घर से आई हैं। ए खुदा तू ही बता बेटियां किस घर के लिए बनाई हैं। यही खत्म कर रहा हूँ। एक बात बोलू, जब कोई लड़की किसी से प्यार करती है ना, वो उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है, पर जब प्यार करने वाला ठुकरा दे तो बहस करना ही बेकार है। सखम कैसा है तुम्हारा, अब दर्द तो नहीं हो रहा? सखम में दर्द नहीं है, कुछ आपकी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। अगर वो आपको अपनी जिंदगी में रखने के लिए कुछ नहीं कर रहा है, कोई मेहनत नहीं कर रहा है, तो फिर आप उसके साथ रहने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? कोई भी कामयाब रिश्ता एक तरफा नहीं हो सकता है, रिश्ते को बनाए रखना दोनों की जिम्मेदारी है। अजकल कोई किसी नूं प्यार नहीं करदा, सब जिस्मां दे भुखे ने। जो तक तुसी किसी दे नाल रिलेशन च आ, तुसी ओहदे लई चंगे आ, जानू सोना मोना फलाना तैंकड़ा, ते जिद्दां ही रिलेशन खत्म, मिंट नहीं लाउंदी इज्जत दीआं धज्जियां। तुमने धोखा दिया, छोड़ने का इरादा तुम्हारा था, तुमने प्यार ना किया, टूटा दिल जो हमारा था। तुम ऐसी तो नहीं थी कभी, बदलने पर तुमने मजबूर किया था, झूठ का अवार्ड तुझे मिला। अब अगर हिचकी आए तो पानी पी लेना, अब अगर हिचकी आए तो पानी पी लेना, अपने जहन से ये वहम हटा देना कि मैं अब भी तुम्हें याद करती हूँ। यही खत्म कर रहा हूँ। एक बात बोलू, जब कोई लड़की किसी से प्यार करती है ना, वो उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है, पर जब प्यार करने वाला ठुकरा दे तो बहस करना ही बेकार है। जिस इंसान ने आपको एक बार धोखा दिया है, उसे चाहे आप कितना भी माफ करो, एक दिन वो आपको फिर धोखा देता है। क्योंकि इंसान की सूरत तो बदल सकती है लेकिन सीरत। कभी उस इंसान को मत भूलना, कभी उस इंसान को मत भूलना जिसने आपकी मदद तब करी थी जब बाकी सब बहाने बनाने में बिजी थे। ए खुदा कभी मेरी माँ को दुखी मत होने देना, अरे ए खुदा कभी मेरी माँ को दुखी मत होने देना, अगर दुखी ही करना है तो पहले मुझे उठा ले। तुम सब लड़के एक जैसे होते हो, जरा सी कमी नहीं दिखी ना कि छोड़ देते हो, तुम दिल से नहीं फिगर से प्यार करते हो। बात रही जिस्म की, हमें मोहब्बत तेरे जिस्म से नहीं तेरी रूह से है जान।
वरना हसीन लोग भी बाजार में सारे आम बिका करते हैं। इंदर, जब मैं चली जाऊं ना तो प्लीज मेरे फोटो पे हार मत चढ़ाना और मुझे सुंदर से पेड़ के नीचे 2 गज जमीन में बसा देना। थक गया हूँ तेरी नौकरी से है जिंदगी, मुनासिब होगा मेरा हिसाब कर दे। भरी जेब ने दुनिया वालों की पहचान करवाई और खाली जेब ने इंसानों की। जमाना कुछ भी कहे कहने दो, जमाना कुछ भी कहे कहने दो, हम बुरे बुरे ही रहने दो। सुन, अब भाड़ में गई तू और तेरा प्यार। अब अपने दोस्तों के साथ मस्त रहता हूँ, तुझे सोचने के लिए भी टाइम नहीं है मेरे पास। अब अपने सपने पूरे करने में व्यस्त रहता हूँ, अभी भी टाइम खराब ही कर रहा हूँ तेरे बारे में बोलकर, पर तुझे ये बात बतानी जरूरी थी। मेरी जान दिल तोड़ के जाना है आपकी मर्जी, छोड़ के जाना है आपकी मर्जी। घर घरौंदा गृहस्थी सब सोच लिया था, उसके साथ घर बसाना है आपकी मर्जी। तुम तो ऐसे मुनकिर हुए जैसे कि काफिर, अब उस पे ईमान लाना है आपकी मर्जी। मुझे तो लगा कि बस खफा हो, कभी ना लौट के आना है आपकी मर्जी। खराब रिजल्ट देखकर कभी गलत कदम मत उठाना दोस्तों, क्योंकि रिजल्ट एक कागज का टुकड़ा है और आप अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े। कमाल का ताना दिया आज किसी ने, कमाल का ताना दिया आज किसी ने, अगर वो तेरा है तो तेरे पास क्यों नहीं। अजीब सी बात है ना, जब तुम बदले तो मजबूरियां थी, है ना, और जब मैं बदली तो बेवफा हो गई। तू जिद थी इस दिल की, बस इसलिए तू खास था। तू जिद थी मेरी दिल की, बस इसलिए तू खास था, वरना सच कहूँ तो तू निहायत ही बकवास था। एक जो बहन होती है ना, वो अपने भाई से कितना भी झगड़ा कर ले, लेकिन उसका जो भाई होता है ना, उसके लिए उसका हीरो होता है। उस लड़की से कभी शादी मत करना जो आपके साथ भागने के लिए तैयार हो जाए, उस लड़की से कभी शादी मत करना जो आपके साथ भागने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि वो उसके माँ बाप की नहीं हुई तो आपकी क्या होगी, आपकी क्या होगी। जो लोग मोटे लोगों को देख के उनकी हंसी उड़ाते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बातें बनाते हैं, ये उनके लिए है। हाँ हैं हम गोलू मोलू से, तो क्या हुआ, बचपन में हमारे पेरेंट्स ने हमारी एक्स्ट्रा केयरिंग की है, इसलिए तो हम ऐसे हैं। हर किसकी बस की बात तो नहीं है। अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, उसके पीछे कभी मत भागना। पहले ये देख लो कि वो आपसे कितना प्यार करता है। अगर वो आपसे सच में प्यार करता है ना, तो आपको अपने पीछे भागने नहीं देगा। चाहे वो कितना भी बिजी हो, कितना भी उसको काम रहे, लेकिन आपके लिए टाइम जरूर निकालेगा। जिनको आसानी से मिल जाता हूँ मैं, जिनको आसानी से मिल जाता हूँ मैं, वो समझते हैं बहुत सस्ता हूँ मैं। एक वो भी वक्त था जब मैं तुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, पर अब अगर तू मेरे लिए फना भी हो जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी किसी को फोर्स मत करो कि वो आपसे बात करे। प्यार सिर्फ आपने नहीं किया है, फीलिंग सिर्फ आपकी नहीं है। अगर वो आपसे सच में सच्चा प्यार करता होगा ना, तो आपको वक्त देगा, आपको प्यार देगा। जबरदस्ती से प्यार खरीदा नहीं जा सकता। ना सर झुकाने की आदत है और ना आंसू बहाने की, खो गए अगर हम ना तो पछताओगे बहुत तुम, क्योंकि हमें लौट के आने की भी आदत नहीं है। ये फैक्ट है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता, ये फैक्ट है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता, एक बेटी को उसके पापा से ज्यादा कोई और प्यार नहीं कर सकता। बेटियां सबके मुकद्दर में कहां होती हैं,
बेटियां सबके मुकद्दर में कहां होती है, घर खुदा को जब पसंद आता है उस घर में बेटियां होती है। कहता था कि तुम अपनी अच्छाई बुराई समेत मुझे पसंद हो, कहता था हर हाल में पसंद हो, फिर क्या हुआ? मेरा तो कोई कसूर नहीं था, मैंने तो नहीं कुछ। एक बंदे का वीडियो मैंने देखा, उसने कहा मर्द और औरत का प्यार करने का तरीका, ये भी एक्चुअली भी मेरे साथ हो चुका है, इसलिए कहना चाहती हूँ। जब औरत शुरुआत में प्यार करना शुरू करती है तो उसका प्यार बहुत थोड़ा सा होता है, आहिस्ते आहिस्ते करके वक्त गुजरता है, उसका प्यार भी बढ़ते रहता है और उसका दिल भी बहुत जल्दी टूट जाता है क्योंकि प्यार काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और मर्द का मोहब्बत में एक फ़र्क होता है, शुरुआत में तो वो मोहब्बत इतनी ज़्यादा करते हैं, आहिस्ते आहिस्ते आगे जा कर के उनका प्यार बिल्कुल भी ख़त्म हो जाता है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मेरे सारे फोटोज डिलीट कर दो। सिर्फ एक फ़ोटो रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आखिरी सांस लेते वक्त मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ। छोड़ा, मैंने उसको नहीं छोड़ा। अच्छा तुम मुझे उससे बात करने? हरगिज नहीं, क्यों बात करो तुम उससे? अगर उसे यही सही लगता है तो ठीक है, वो अगर किसी और से शादी कर सकता है तो क्या मैं नहीं कर सकती? पर अभी जब मैं टिकटॉक चला रही थी तो मैंने एक टिकटॉक देखा कि एक लड़की कह रही थी कि जब चार लड़कियां साथ में बैठती हैं तो वो उनके भाइयों का नंबर मांगती हैं, पर जब चार लड़के साथ में बैठते हैं तो कभी एक दूसरे की बहनों का नंबर नहीं मांगते। तो ये थोड़ी ना होता है कि लड़कियाँ फिर रिस्पेक्ट नहीं कर रही हैं लड़कों को, या फिर लड़के बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हम लोग बहुत अलग ही सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ हम लड़कों को ओवर रेटेड मान रहे हैं, ये वो, या लड़कियों को ओवर रेटेड मान रहे हैं। नहीं 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 नहीं, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि लड़के सिर्फ एक लड़की को रिस्पेक्ट करना जानते हैं या तो एक दो वुमेन को रिस्पेक्ट करना जानते हैं, दैट इज़ देयर मदर और या फिर उनकी सिस्टर। पर अगर वो चार लड़के एक रैंडम लड़की को ऐसे उनके सामने से जाते हुए देखेंगे तो आई एम श्योर वो कहेंगे भाई कितनी माल है पटवा दे। ये लड़कियाँ नहीं करती, वो कम से कम भाइयों को कह रही हैं। सो प्लीज थिंक अबाउट इट। आर यू गोना मिस योर मॉम? नो नो। बेचैन जिंदगी लगदा न जी।